इसमें लिटरली सबसे ख़राब चीज़ बता रहा हूँ भाई। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ भाई जिसमें मैंने बताऊँगा कि आपको मैंने कैसे इसमें 22-23,000 रुपीज़ बचाए इस बाइक में। मैं उससे डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहते हो तो बता देना, मैं बेहतरीन इसका एक ऐप का पूरा डेमॉन्स्ट्रेशन दे दूँगा। क्या रोड है, ऐसी रोड चाहिए भाई अपने को हर जगह। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। दिस इज आवर ब्रांड न्यू हार्ले डेविडसन XO40। आज जाने वाले लेक कमेंट आया था कि भाई इसका नाइट राइड टेस्ट करो, तो इस वीडियो में हम इसको लेके जाने वाले हाईवे मुंबई पुणे हाईवे पे और टेस्ट राइड करेंगे। सो देखते हैं इसकी नाइट परफॉर्मेंस। लाइट वगैरह बहुत तगड़ी मैंने ऑलरेडी देखा है, 100 किलोमीटर्स में कुछ चला चुका हूँ, अभी 150 और चला लेंगे। रात के बज रहे हैं अभी 12, तो देखते हैं चलते हैं हाईवे पे। बाकी की बातें आपसे गोप्रो में करूँगा, एंड गोप्रो की जो क्वालिटी है आई एम नॉट श्योर कैसी आने वाली है। मैंने नाइट मोड की सेटिंग वगैरह जितनी हो सकती है मैंने पॉसिबली की है, बट आई एम नॉट श्योर कैसे होने वाली। ओके सो बेयर विद इट, क्योंकि लो लाइट जो परफॉर्मेंस है गोप्रो की, चाहे वो 12 हो चाहे वो 8 हो चाहे 10, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सो लेट्स गो स्ट्रेट इन द वीडियो एंड राइड अवर बाइक सेफ। पल्सर को अंदर कर दें, ये ज़रूरी है। तो ये हो गई अंदर, ये अब खड़ी अपनी हार्ले, इधर ही लगा देता हूँ अभी इसको मैं। दो दो बाइक हो गई है। एंड बाय द वे, जिसको भी ख़रीदना है भाई, मैं पहले बोल चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो, जो भी इसका बेस्ट वैल्यू है आई विल टेल यू, है ना। चलो ओके भाई, तो इसको चालू में सोसाइटी में रात में करना अवॉइड ही करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही साउंड है इसका। इंजन कट ऑफ है, कोई मेरे को कमेंट कर रहा था इंजन कट ऑफ नहीं है क्या, ये साइड स्टैंड की वार्निंग है, स्टैंड लगाया गाड़ी बंद हो गई। एंड बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगा, शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और जो मुद्दे की बात है ना, जल्दी से हो जाए वो चीज़। चलो चला जाए, लेट्स गो। देखो थर्ड गियर में गाड़ी उठ चुकी है भाई, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द टॉर्की नेचर ऑफ दिस बाइक, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और भाई सच्ची में जो टॉर्क है ना, नो डाउट आप गाड़ी को सेकंड गियर में डालो, आपकी गाड़ी इजीली पूरे सिटी में स्कूटी की तरह चलती है। मैंने ये चीज़ दो दिन से, मैंने दशहरा में गाड़ी उठाई थी, विच वॉज 24th, 25th और 26th, आज 26th ही रात है, दो दिन तक गाड़ी मैंने चलाई है, तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पूरा सिटी में चलाया है, और अभी के 100 किलोमीटर जो चलाने वाला हूँ ये पूरा हाईवे पे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हो ना, इसका आने वाला है फ्यूल टेस्ट, फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट, जिसमें मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि शोरूम से गाड़ी का टैंक मुझे फुल होके मिला था, अब मैं फुल करवाऊँगा। तो फुल टैंक से, फुल टैंक में इसका होने वाला है जो फ्यूल टेस्ट है ना, फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड की हुई है। भाई चिंता नहीं करो, बहुत फ्यूल टेस्ट करेंगे इसकी विदाउट एनी सर्विस, गाड़ी उठाने के बाद ही क्या सर्विस, क्या इसका फ्यूल कॉस्ट आया वो भी बताऊँगा। सो या लेट्स गो। ये भाई क्या बात है, ये कौन है, अपाचे वाले भैया सामने से आ रहे हैं यार। BMW यार, मैं देख रहा था BMW की जो अपाचे का जो रेप्लिका आया है भाई, क्या बाइक बनाई है, लिटरली अब 4 लाख रुपए डालोगे उसमें, कुछ एग्जॉस्ट नोट नहीं, कुछ नहीं, प्लस जो पिलियन बैठता है उसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं, वेयर एज दिस बाइक मैन आप लिटरली 3.5 लाख रुपए डालो, वाइड एंड नाइस हैंडल बार्स, एकदम परफेक्ट मिरर्स, जो मेरा सिटिंग पोस्चर है इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर टूरिंग। माय गॉड कितनी तारीफ करूं, मज़ा आ रही है। कुछ कमियां भी रहेंगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो भाई मेरे चैनल में बने रहो, क्योंकि ना आपको मैं हर एक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पल्सर F250 का एडवांटेज डिसएडवांटेज एवरीथिंग सब बताया था ना, वैसे इसमें आपको बताने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड यार एक चीज़ बताऊँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ आप लोगों को बोल दूँ मैं, अगर आपको सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है, अगर आपको लूट ऑफर्स और ये वगैरह सब चाहिए रहते हैं ना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको इतनी सारी लूट डील्स मिलती है ना, जितने सस्ती से सस्ते ऑफर्स आते हैं। कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, हैप्पीएस्ट लाइफ डील्स सर्च करना है, मेरा चैनल आ जाएगा, फॉलो करो, ज्वाइन करो चैनल। चलो भाई वे पकड़ते हैं सीधा और देखते हैं क्या सीन है, लेट्स गो। अरे यार लेट्स गो बोला और एक्सयूवी वाले भैया सामने आ गए, चलो कोई नहीं भाई। एक चीज़ हाईवे पकड़ने से पहले आप लोगों को बोल दूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी है इस बाइक में, लिटरली मेरे को लग रहा है भाई हार्ले डेविडसन हीरो आप लोग ने जो भी टाइप किया है इसमें, लिटरली सबसे ख़राब चीज़ बता रहा हूँ भाई, हॉर्न इतने ज़्यादा गंदे हैं, मतलब स्प्लेंडर का हॉर्न लगा दिया ऐसा लगता है। हॉर्न में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
हॉर्न लिटरली आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो 100-200-300 रुपए का, लेकिन और ऐसा नहीं कि मैंने बाइक खरीदी तो उससे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, जो ख़राब है वो ख़राब भी बताऊंगा। तो हॉर्न इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हेडलाइट का टेस्ट करो, तो लोगों को बता दूं भाई, आप जैसे ही फ्लाईओवर, दिन की बात कर रहा हूं, जैसे ही फ्लाईओवर के नीचे घुसोगे ना, इसके ऑटो हेडलैम्प्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाते हैं। भाई क्या सही लगता है वो, मेरा फ्रेंड चला रहा था, ही वॉज लाइक ब्रो ये क्या है, अपने आप गाड़ी का लाइट चालू हो गया। मैंने ब्रो ऑटो हेडलैम्प्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलता है ये, हार्ले डेविडसन में दिया हुआ है। एंड एक्चुअली यार अभी मैं, अगर पॉसिबल रहा ना, जाओ भाई जाओ, अगर पॉसिबल रहा ना तो मैं डेफिनेटली इसका एक वो बनाऊंगा। फिलहाल तो खींचते हैं थोड़ा सा गाड़ी, हाईवे पकड़ चुके हैं अपन, मुंबई पुणे हाईवे। वाह, एंड लाइक आपको आँख बंद करना है एंड दिस बाइक विल टच 100, और आपको सिक्स गियर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिक्स गियर इज़ ओनली फॉर क्रूजिंग। अगर आपको लाइक ये देखो नॉर्मल क्रूजिंग है ये, 4000 RPM पे चल रही गाड़ी, 9500 इज़ ये क्रूजिंग्स, मतलब इसका कंफर्ट है इस गाड़ी का कि ये 9500 पे क्रूज़ कर सकती है सिक्स गियर पे, 4000 RPM पे। एंड एब्सोल्युटली क्रेजी मैन, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलाऊँगा क्योंकि मेरे पापा ने अभी बोला है कॉल करके कि रात में निकल रहे हो, तेज़ नहीं चलाना, तो तेज़ नहीं चलाएंगे, आराम से अपने को टेस्ट करनी है गाड़ी, धीरे धीरे चलाएंगे। तो भाई ये है भाई नाइट की टेस्ट राइड, भाई लिटरली मैं इसमें ना पूरा भारत नाप सकता हूँ, लिटरली पूरा भारत नाप सकता हूँ इसमें। क्या राइडिंग पोजीशन है, क्या सही है, ख़राब रोड के पैचेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने बढ़िया सस्पेंशन दिए हुए हैं, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, एक नंबर। बस गाड़ी का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आपको ट्रैफिक में कट मारने में प्रॉब्लम होती है, जो कि करना भी नहीं चाहिए यार, ये एक्चुअली को ड्राइवर्स के लिए बहुत अनोइंग हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए, है ना। और देखो ये देखो लाइट देखो, इसे अपर डिपर देखो, अपर डिपर। अभी सर को हम करेंगे ओवरटेक, क्या बात है, आपको आँख बंद करनी है भाई बस, और ये गाड़ी 100 पहुँच जाती है, 440 cc, ऐसी मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर है इस गाड़ी में, एक बार चला के देखो भाई मज़ा आ जाएगा। तो ये देखो इसका भी हेडलैम्प मैंने ये चालू किया है, आप चेक करो लाइट सामने अगर आपको दिख रहा हो तो। मेरे पापा बोल रहे थे रात को कहाँ 12-1 बजे निकल रहे हो, सुनसान रास्ता। मैंने बोला पापा ट्रैफिक जाम लगता है, सैटरडे संडे मुंबई पुणे हाईवे में ना ट्रैफिक जाम लगता है रात को 2-3 बजे, और देख लो आपके सामने अभी रात के 1 बज रहे हैं और ये ट्रैफिक है, मतलब बताओ। अंकल जी हटो, भाई इसका हाँ बोलूँ, और एक सीरियसली आपको एक चीज़ बोलता हूँ गाइस, ये बाइक है ना, ये सिर्फ हाईवे पे हाईवे के लिए इतनी परफेक्ट है ना, मतलब अगर आपने ये ख़रीद लिया आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी इसको हाईवे पे लेके निकल सकते हो, आँख बंद करके छटवा गया डालो, 90 पे क्रूज़ करो, एकदम मक्खन, लिटरली मक्खन, क्या बोलना चाहिए भाई, क्या बाइक बनाई है, मज़ा आ रहा है, बहुत सेक्सी। एंड ये मेरी फेवरेट कार थी भाई, शेवरले क्रूज़, कहाँ चली गई शेवरले, कहाँ चली गई फोर्ड, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भाई सब, क्या बात है, चलो कोई नहीं। वाह वाह वाह, ये देखो ये स्टेट बस वालों से सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई, ना इंडिकेटर ना कुछ, मोड़ लेंगे सीधा। और भाई ये वीडियो ना 4K में देखना आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि नाइट में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती नहीं है कुछ, कोई भी GoPro, जैसा मैंने पहले बताया गाइज, नो जोक। लेकिन ये बाइक मैंने, आप लिटरली यू कैन गो माइल्स एंड माइल्स, मेरे को लग रहा है पुणे से गोवा तो मेरे को इस बाइक में पता भी नहीं चलने वाला है, मतलब मैं, अगर आपको याद हो नहीं याद हो, 2020 में शायद से मैं अपनी TVS जुपिटर में चला गया था भाई गोवा, तो इस बाइक में तो मतलब क्या ही बोलना है यार, मतलब पुणे बेंगलोर हाईवे पकड़ो और यार 100 पे चलने दो गाड़ी भाई, मतलब अभी वाइब्रेशंस, अभी 123 जब ये बाइक टच की ना, तब मेरे को इंजन वाइब्रेशंस फील हुए, मतलब आप समझ लो इसके इंजन वाइब्रेशंस आने स्टार्ट होते हैं 120 के बाद, तो मतलब 120 तो आप मान के चलो कि इजीली आप क्रूज़ कर सकते हो, ऑल दो वो स्पीड रिकमेंडेड नहीं है बाइक में, अनलेस आपके पास बहुत अच्छी रोड्स हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग रिव्यू एज अ रिव्यूअर, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, है ना। तो भाई सीरियसली इट्स अमेजिंग मैन, अमेजिंग, एज आई सेड अर्लियर,
यू कैन लिटरली गो माइल्स एंड माइल्स, आपको हाईवे में इस बाइक में पता भी नहीं चलने वाला है। अभी मेरे को समझ में आ रहा है जो एक सुपर मीटियोर 650 में एक बंदे ने मुंबई से बैंगलोर कर लिया था एक दिन में, एंड आफ्टर ही रीच्ड बैंगलोर वो बोला यार मेरे को पता भी नहीं चला। सो मेरे को लग रहा है सिमिलर केस इसके साथ भी होने वाला है। 440 सीसी मजाक नहीं होता, बेहतरीन है भाई बेहतरीन। यवन पहुँच चुके हैं वाकड़ ब्रिज पुणे के, यार पुणे से चालू करो ना घूमना, 30 किलोमीटर तो पुणे ही ख़त्म नहीं होता है। कोथरूड जहाँ मैं रहता हूँ 30 किलोमीटर आगे जाते रहे तो पिंपरी ख़त्म नहीं होता। बढ़िया, चलो 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 जल्दी हटो, सब कोई जल्दी वहाँ से हटो। हाँ हाँ हाँ, ये मिली अच्छी रोड, क्या बात है, बढ़िया है भाई। देखो यार मैं बहुत सारे वीडियोज़ इस पर बनाने वाला हूँ। इसका ये जो पूरा ऐप कनेक्टेड फीचर्स है ना, मतलब मेरे फ्रेंड का कॉल आता है तो वो भी दिखाता है, आप इसे कॉल पिकअप कर सकते हो, डिसकनेक्ट कर सकते हो, नेविगेशन, जियो फेंसिंग, ट्रैकिंग, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम मोबाइल ऐप, इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं। लोगों को लग रहा था यार छोटा सा है क्या इसमें, बेकार सा होगा, भाई क्या फीचर्स हैं यार इसमें, क्या फीचर्स हैं। मैं उससे डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहते हो तो बता देना, मैं बेहतरीन इसका एक ऐप का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा कि कैसे इसके फीचर्स हैं, क्या क्या काम करते हैं, सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके, क्या रोड है यार, ऐसी रोड मिलनी चाहिए यार। ये देखो पूरी खाली, और ये अभी थोड़े वाइब्रेशन चालू हुए इसमें। वाह क्या रोड है, क्या रोड है, ऐसी रोड चाहिए भाई अपने को हर जगह। वाह क्या ब्रेकिंग है भाई, एक नंबर, ब्रेक्स भी बहुत ही ज़्यादा सही है, एकदम फुल आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फुल आपको ये प्रॉपर आपको फीडबैक मिलता है ब्रेक से, एकदम परफेक्ट लाइक एकदम परफेक्ट, बहुत ज़्यादा कुछ एकदम पकड़ नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा लूज नहीं, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जो बैलेंस होना चाहिए एकदम बीच का बेस्ट है वो। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ भाई जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको मैंने कैसे इसमें 10+7+5 ऑलमोस्ट 22,000-23,000 रुपीज़ बचाए इस बाइक में, वो मैं कैसे बचाएँ आपको बताऊँगा, वीडियो अलग से बनाऊँगा। आई एम डेफिनेटली श्योर वो शोरूम को पसंद नहीं आएगा वो वीडियो, बट वो आपके लिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि यार मैंने बाइक ऑन की, मैं चलाऊँगा, मेरे को जो बताना है आप लोग को बताऊँगा, है ना। और ये आ चुकी है अभी पतली रोड जहाँ पे इसकी जो हेडलाइट्स है उसका पूरा टेस्ट होगा। अभी ये देखो भाई क्या लाइट्स हैं भाई साहब, हो नाइस। तो वेट करना उस वीडियो का भी, सारे वीडियोस भाई अभी आप चैनल का अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत अपडेट मिलने वाली है इस बाइक से रिलेटेड। टूरिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, अभी तो जब नंबर प्लेट लगेगा तो अपन सिद्धिविनायक जाने वाले हैं, मुंबई से पुणे सिद्धिविनायक से दर्शन करके वापस अपन पुणे आएंगे, सॉरी पुणे से मुंबई, मुंबई से दर्शन करके वापस पुणे, तो एक दिन में अपने 400-500 किलोमीटर होने वाले हैं वो। उस वीडियो का भी वेट करना, मज़ा आएगी आपको। गाइस एक बात मैं एकदम साफ बता दूं आप लोगों को, एकदम धीरे करके गाड़ी बता रहा हूँ, अगर आप ये गाड़ी खरीद लिए हो या ख़रीदने वाले हो, प्लीज़ 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 फॉर योर पिलियन जो आपके पीछे बैठेगा उसकी सेफ्टी के लिए बैक रेस्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पावर है, आई एम नॉट जोकिंग गाइस, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, प्लीज़। क्योंकि ना आप जब रेस देते हो ना सिटी वगैरह में, पीछे जो पिलियन बैठता है ना वो एकदम उड़ जाता है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं अभी कैसे, वो मेरे पास GoPro नहीं था, रिएक्शन वगैरह कैसे रिकॉर्ड करता मुझे नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ब्रेकअप है गाड़ी का, जो पिलियन है ना वो पीछे उड़ जाता है पूरा, पैर भाई मेरे फ्रेंड के पैर मेरे कान तक आ गए थे, इतना ज़्यादा पिकअप है इसका। सो प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप बाइक ले रहे हो, कोई एक्सेसरीज लगवाओ ना लगवाओ, बट प्लीज़ इसमें आपका बैक रेस्ट ज़रूर लगवाना, क्योंकि वो मैंडेटरी है, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी मैं थोड़ा सा रुका था यार, लाइट देखो भाई क्या है, आई डोंट नो ये जो है मोबाइल कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, मतलब GoPro, आई एम श्योर ये चीज़ मोबाइल ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। बाप रे बाप क्या ख़तरनाक लाइट है, ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा ऊपर है यार इसका, लिटरली
पूरा लाइट अप हो जाता है मस्त एकदम। ओके तो मैं अभी थोड़ा सा साइड में रुका था जस्ट टू सी कि इसकी हीट कैसी हो रही है। ऑलमोस्ट मैंने 60 किलोमीटर आ चुका हूँ आगे एंड ऑनेस्टली बिल्कुल भी ज़्यादा हीट नहीं कर रहा है। अभी तो हाईवे ठंडा मौसम है तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर देखो भाई अपर देखो, नाइस। ऐसा लग रहा है सबको पीछे करते हुए जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं ना, मतलब लोनावला इसमें कब पहुंच जाएंगे पुणे से, मतलब पता भी नहीं चलेगा भाई, लिटरली पता भी नहीं चलेगा। पर लाइट्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने चलाई थी रात में बट ऐसे एकदम अंधेरे में नहीं चलाई थी। वाह यार वाह, बहुत तगड़ी लाइट्स है। मेरे को लगता नहीं कि इसमें आफ्टर मार्केट लाइट्स लगवाने की ज़रूरत भी है। अनलेस आप फॉग वगैरह में जाओगे ना तो आपको येलो लाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो मेरे पीछे है, तो उसके लिए मे भी आपको एक एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाने की ज़रूरत पड़े। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक कि जो वाइट लाइट का जो थ्रो है ना, इसकी जो स्टॉक लाइट है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। मतलब एकदम क्लियरली, और ऐसा नहीं कि एकदम सीधी है, अच्छी वाइड है, वाइड तो साइड में भी कवर होती है बढ़िया। घाट वगैरह में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसका हैंडल भी मुड़ता है, तो बढ़िया यार। बट स्टिल अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो तो लाइट्स ज़रूरी है उसके लिए, एक्स्ट्रा लाइट्स जो नीचे आपके लेग गार्ड वगैरह में लग जाती है। एंड बाय द वे हॉर्न का मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़राब, एक्सट्रीमली बैड है, बट यार कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा बेटर हो सकता था, है ना। तो यही बताना था मुझे आपको। बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा भाई ट्रक वाला, आराम से चलो भैया। सुबह भाई तो इधर पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पीने सोच रहे हैं इधर। भाई लोनावला मुंबई से बोलते पुणे से लोनावला 45 मिनट्स में पहुंच गए भाई। बाइक देख लो क्या सही चल रही है। चाय पीते हैं यहाँ पे देखो, और जस्ट इधर आगे से लोनावला है सामने, 45 मिनट्स में लोनावला पहुंच चुके हैं बस भाई। लिटरली 45 मिनट्स में अपन लोनावला पहुंच गए। क्या भगती है भाई गाड़ी। And this donut is absolutely delicious. आग बंद करके इसमें मुंबई पहुंच जाऊंगा ऐसा लग रहा है। करेंगे वो राइड भी अपन तो मुंबई से पुणे सिद्धिविनायक हार्ड वर्सन X240 बेबी। लग रहा है सब एकदम परफेक्ट डिसीजन रहा है इसको लेने का। प्राइम देखो भाई इसको देखो, प्राइम बहुत छोटी है, किसी से भी पूछ लो जिन्होंने दोनों गाड़ी देखी है। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी इसका फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट करेंगे, देखते हैं कितना आता है इसमें एवरेज वगैरह। तो टैंक फुल से टैंक फुल वाला, काफ़ी गाड़ी चला चुका हूँ वैसे मैं सिटी में, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, हाईवे पर 150 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर्स का पूरा एक एवरेज टेस्ट हो जाएगा। लेट्स सी क्या आता है इसका। एकदम गाड़ी नई नहीं उठाई है, कुछ भी नहीं करवाया अभी तक। फर्स्ट सर्विस 750 किलोमीटर्स में होती है, शोरूम से गाड़ी टैंक फुल में मिली थी, अपन कराएंगे टैंक फुल, देखेंगे कितना आता है एवरेज। बाय द वे अब चला जाए यहाँ से, लेट हो रहा है, 2 बजने लगे पुणे पहुँचना है वापस, है ना। लेट्स गो। मगर देखो भाई बढ़िया आग लग चुकी है, ठंडी का मौसम आ गया है, हमारा चल रहा है डोनट, नाइस। तो ये भैया को मैंने बोला भैया फ़ोटो ले दो, तो भैया ने फ़ोटो नहीं वीडियो निकाल दिया मेरा। और बोलते कहाँ नई गाड़ी ली है क्या, मैंने बोला हाँ भैया बिल्कुल, टैंक फुल कराएंगे पुणे में ही, देखेंगे क्या एवरेज आया गाड़ी का, है ना। नाइस, चलो 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 लेट्स गो बेबी। चलो भाई लोनावला पहुंच गए, बस यही करना था। अब लोनावला से लेते हैं यू टर्न, और मैप्रो वगैरह भी क्या मगन नाल सब खुला हुआ है। मैं तो हमेशा बोलता भाई इधर आओ तो यार चॉकलेट वॉलनट फज प्लीज़ यार, थोड़ा आगे चलते हैं, काम करते हैं, चॉकलेट वॉलनट फज ज़रूर खाओ ज़रूर, इट्स मैंडेटरी। बाकी चिक्की विक्की तो यार ठीक है खाते रहोगे, चॉकलेट वॉलनट फज। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, सब्सक्राइब करो। घाट पे आ गया हूँ मैं लिटरली जस्ट टू सी द लाइट का थ्रो कि कैसा है घाट पे, कैसी काम करती है। बट सैडली मैं खोपोली आ गया हूँ भाई, लोनावला से भी आगे आ गया हूँ फिलहाल, और मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होंगी, बट अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं। और ये कोई बाइक बहुत सेक्सी सी निकली, हमारी बाइक कोई कम है के
तो ये देखो भाई, ये इसका थ्रो घाट्स में। भाई इतना ज़्यादा रात को 2-3 बजे मैं ये वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ, तो यार अब इतना ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, है ना। खोपोली पहुँच गया, अब निकलता हूँ वापस से पुणे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी करीब 1 घंटा लगेगा पुणे जाने में, 1.5 घंटा, क्योंकि मेरे को एक ढाबे से सब्ज़ी पैक करानी है, कल बढ़िया गर्म करके खाऊँगा क्योंकि वो ढाबे की सब्ज़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। चलो यहीं से रिटर्न होता हूँ क्योंकि आगे पूरा स्ट्रीट लाइट है, तो घाट का मज़ा इस वीडियो में तो नहीं, जिसमें मैं मुंबई से रिटर्न आऊँगा ना उसमें आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं पुणे से मुंबई जाऊंगा, सिद्धिविनायक के दर्शन करूंगा गणपति के और फिर वापस आऊंगा। ओके सो ऑन माय वे बैक टू पुणे। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज स्पीड और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो दिखा रहा है वॉट्स 28 किलोमीटर पर लीटर, जो कि ख़राब नहीं, अच्छा ही था, बट देखते हैं एक टैंक फुल के बाद कितना आता है। तो भाई इधर आया था मैं खाना पैक कराने के लिए, बट टाइम इट्स काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, 2:30 बज रहे हैं तो बंद हो गए ये। चलो कोई नहीं, खुद ही बनाएंगे अब कल। Okay, so I just wanna show you guys how this navigation works in this bike, okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, मोबाइल की बैटरी दिखा रहा है, टावर दिखा रहा है, एवरीथिंग इज शोइंग हियर। बस मुझे यहाँ पे अपने घर का एड्रेस एंड हियर यू गो। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से कितने 9.4 किलोमीटर्स बाद जो टर्न है वो लेना है, ये सारी चीज़ें यू कैन सी हियर। या आप मोबाइल जेब में भी रख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल भी दिखाता है यहाँ पे 2:56 AM, तो ये चीज़ है भाई, बढ़िया। चलो भाई नेविगेशन बहुत बढ़िया से वर्क कर रहा है, ये देखो यहाँ पे लिपलिंग कर रहा है ये मस्त एकदम, 430 मीटर तक स्ट्रेट जाना है। चलो वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा भाई, मज़ा आ गई, बहुत अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस था। अगेन रिपीट करूँगा, सस्ते ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक़ है, टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आपको दिन भर। तो चलो गाइस वीडियो ख़त्म करूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार। अभी रात के 3:30 बज गए हैं वापस आते आते, जस्ट फॉर दिस वीडियो। किसी ने कॉमेंट कर दिया था कि भाई रात का वीडियो बनाओ, इसलिए इतना घूम फिर के आया हूँ। सो एक एक ही सुनना पड़ता है यार, फैमिली हो आप लोग, राइट? सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ यार 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, जल्दी से करवा दो। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताऊँगा, मैं बहुत मेन वीडियो होने वाला है, माइलेज क्या है इस गाड़ी का। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।